उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग, नेताओं, विधायकों ने अक्सर ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ऑल वेदर रोड की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हुआ है। दरअसल लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फतरयाल ने चार धाम ऑल वेदर रोड में शामिल चंपावत पिथौरागढ़ NH9 के निर्माण कार्य पर लगी RGBL कंपनी निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। पूरन सिंह का कहना है कि कंपनी सड़क निर्माण में रोड़ी के साथ मिट्टी की मिलावट कर रही है, जिससे सड़क ज्यादा दिन तक नहीं चली और जगह जगह से उखड़ने भी लगी है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य बेहद ही घटिया क्वालिटी का है, जो केवल सरकारी पैसों की बर्बादी है। मैं जो मेरे विधानसभा में खुना से लेके घाट तक RGL कंपनी काम कर रही है, अभी हाल में ही मैं 1.5 महीने पहले खुना से लेके चंपावत को आया था तो डामर हो रहा है। आज मैं आया तो उसी में तमाम जगह ऐसी अनियमितता, पूरा डामर उखड़ करके उसमें पेस लगने लगे हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि बीच में भी ये जो WBM वगैरह वगैरह जो पत्थर GSB डाली जाती है 40-50 सेंटीमीटर थिकनेस की जो क्रस्ट होती है, उसमें 50% मिट्टी की मिलावट करके ये डाल रहे हैं, इसलिए रोड बैठ जा रही है। इसमें भारी अनियमितता है और ठेकेदार, कंसल्टेंट और विभाग मिलकर केवल लूट का काम कर रहे हैं। क्वालिटी क्वांटिटी को कोई ध्यान नहीं दे रहे, पूरी डामर की भी रोड उखड़ने लग गई है और रोडों का। इसके साथ ही पूरन सिंह ने कंपनी पर यह भी आरोप लगाया है कि वो मलबा डंपिंग जोन में न डालकर जंगलों और नदियों में बहा रही है, जिससे ग्रामीणों के पेयजल स्रोत बंद हो गए हैं। सरयू के साथ अन्य नदी नालों में मलबा फेंका जा रहा है, जो भविष्य में बड़ी आपदा को जन्म दे सकता है। विधायक का कहना है NH के अधिकारी कंपनी के घटिया निर्माण पर नकेल कसने में नाकाम साबित हुए हैं। आपका जो है मरोड़ा खान से लेके घाट तक तमाम गांव वालों ने मुझे शिकायत दर्ज की है कि हमारे पेयजल स्रोत बंद कर दिए हैं, इनने जो डंपिंग जोन पर मिट्टी न डाल करके सभी स्कवर बंद कर दिए हैं, सभी पानी के स्रोत बंद कर दिए हैं और मिट्टी बेतरती डाल के जंगलों के जंगल पेड़ बर्बाद कर दिए हैं, उनको ढक दिया, उनके ऊपर मिट्टी लाखों लाखों हजार हजारों पेड़ बर्बाद कर दिए हैं और मिट्टी इतनी जारी है कि आपकी सरयू नदी और काली नदी पे पूरा मलवा जा रहा है, पूरा भरा पड़ा है और जो NGT के नियमों के भी खिलाफ है और रोड में बहुत भारी अनियमितता पाई जा रही है 2 साल टाइम। आपको बता दें कि पहले भी कंपनी पर मलबा इधर उधर फेंकने के आरोप लगे हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने जांच करवाने की भी बात कही थी और स्थानीय विधायक भी अब इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कर रही हैं। साथ ही भूतल परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखकर कंपनी की घपलेबाजी की जानकारी देने की बात कही। अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, ये वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।